आपके लिए परसेंटेज का सवाल। जो ये सवाल है, चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% बढ़ जाता है, याद करें कि चीनी का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दिया जाए कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। ऐसे सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो सवाल आसान से खेलते धूपते बनाए, सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल आसानी से बना सकते हैं। मैं तो ऐसे ही इसका आंसर बता दूंगा। मैं आपको भी पहले बता दिया, मैं जो आगे फॉर्मूला बता रहा था उस समय भी मैं खोला, ऐसे सवाल आएंगे आपको याद रखना है कुछ फॉर्मूला को तो बना सकें, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप बना सकते हैं। इसका जो आंसर है 25% का वृद्धि कह रहा है तो कमी का आंसर होगा 20%। तो एक उत्तर यह हो गया, फर्स्ट बनाने का जो उत्तर हो गया यह हो गया। यदि आप नहीं रखते हैं फॉर्मूला, आपको बताए थे सेकेंड फॉर्मूला की विधि से बना सकते हैं कैसे, कमी परसेंट बराबर एक्स बटे, एक्स का मान यह है एक्स 25 बटे 125 100+25 गुना 100। तो इसे हल करेंगे आपका 20% आंसर निकलेगा। तीसरा तरीका क्या है आपको बताए थे बनाना है, थर्ड तरीका है बनाने का, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। मान लिया आपका कह रहा क्वेश्चन, आप दर चीनी का दर रुपया 100 रुपया केजी है और आप जो है डेली खरीदते हैं चीनी 100 केजी, आपको कितना रुपया लग रहा है, 10,000 रुपया लग रहा है, 10,000 रुपया खर्च हो रहा है। कहता है क्वेश्चन चीनी के मूल्य 25% वृद्धि कर दीजिए, 25% 125 हो गया, लेकिन चीनी का मासिक बिल ना बढ़े, हम चीनी को 100 केजी ही रहने देंगे, तो 100 केजी रहने दिए, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1250, कितना हो गया 12,500 रुपया हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालेंगे तो 250 या निकला। अभी ये डिफरेंस निकला, ये प्रॉफिट हुआ, कमी परसेंट निकालना है, कितना कमी था 2,250। अब इसे जो है बेसिक में इसको लिखेंगे 1250 12,500 गुना 100, इसे काटेंगे 2 जीरो कट गया, पच्चीस पच्चीस 1,250 यहां बचेगा 100 बार में, इसे 5 से काटेंगे 20% आंसर निकलेगा। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, थर्ड तरीका ये बनाने का है। नेक्स्ट और भी बना सकते हैं, क्वेश्चन है बनाने का जो तरीका है, आप चौथा तरीका से इसे बना सकते हैं। आपको जैसे समझ में आवे इन सवाल को वैसे बनाएं, कहीं सोचने की देरी ना करें, एग्जाम में टाइम ना नष्ट करें। क्वेश्चन है पहले आपका था कितना, अभी मान 25% बढ़ गया, 125 हो गया, पहले कितना था 100, अब जो है दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हो गया 25। ऐसे आप जाने लिखे इसे कि पहले था 100, अब हो गया 125, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 25, तो कितना परसेंट, 25% का वृद्धि है, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 गुना बटे 125 या लिखेंगे, वृद्धि वाला वर्तमान वाला लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसे 25 से काट देंगे 5 बार में, इसको काटे 20, यानी कि 20%। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, आपके लिए है, किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए, इसकी चौड़ाई कितना परसेंट कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। इन सवाल का आंसर आप एक ट्रिक बताए थे, जो कि आप उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, नहीं तो 60% जब वृद्धि होता है तो उसका कमी का आंसर होता है, 60% वृद्धि में कमी का आंसर होता है 37.12%। तो इस तरह से यदि आपको याद रहता है तो याद रखे, नहीं याद रखते हैं तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। आपको बताए थे फॉर्मूला कमी परसेंट बराबर एक्स बटे 100+x गुना 100, इससे भी बना सकते हैं, तो कितना है 60 बटे 160 गुना 100, ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 8 बार में, 4 × 8 25 × 100, 4 × 8 4 से काटेंगे तो 25 × 100 25 × 75 75/2 का मतलब होता है 37.12%। इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से अगर जो नहीं बना सकते हैं तो आप ऐसे भी, अगर जिस तरह से समझना हो वैसे समझे सवाल को, सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कितना वृद्धि किए हैं 160 की वृद्धि हुआ है, अभी 160 है, पहले कितना था आपका 100 था, दोनों का डिफरेंस कितना है 60 का डिफरेंस है, 60% का डिफरेंस है 60, इसको आप यहाँ नीचे ला के देखें 160 गुना 100 कर दें, 100 क्यों करेंगे परसेंट में बदलने के लिए, इसे काट देंगे 10 3 बार में, ये जो 8 बार में 4 से काटेंगे 4 × 8 25 बार में, 25 गुना 3 करेंगे 25 × 75/2 हो जाएगा, आपका आंसर रहेगा 37.5%। तो जैसे आपका मन हो, सवाल में कोई दम नहीं रहता, आप समझ नहीं पाते हैं, बनाने का स्टाइल नहीं जानते हैं, आपसे सवाल नहीं बनता है, आप मेरे प्रोसेस से मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, मैं आपको निश्चित है एग्जाम आते आते आने वाले एग्जाम के समय में मैं मैथ को सवाल सिखा करके एकदम मजबूत कर देंगे, ताकि आप सवाल
एग्जाम में कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। मैं मेरा यह दावा है, मेरा यह गारंटी है कि आपको सवाल बनाने का तरीका सिखा करके ही छोड़ेंगे। आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, क्या आप इस सवाल से सवाल को बनाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। आप ऐसे सवाल को आप खुद से बना सकते हैं, बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊंगा ऐसे सवाल को। आइए, आप क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तथा उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल ना बदले, तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए, कितना परसेंट ऊंचाई बढ़ा दिया जाए ताकि उसका ऊंचा क्षेत्रफल ना बदले। क्या आप चाहते हैं कि आपसे भी सवाल बने? तो आप मेरे वीडियो को देखें, मैं आपको पक्का गारंटी लेता हूं आपको सवाल बनाने के लिए सिखा दूंगा। नहीं आप पहले से सीखे हैं तो आज मैं सिखाऊंगा और आज के बाद से आपसे सवाल यह बनेगा। तो यह आपको पहले एक वीडियो में मैं बताया था, पीछे मैं बताया हूं कि अगर कोई किसी में 10% की कमी हो तो वृद्धि कितना होगा, 11% 11.9% की वृद्धि होगा, 10 से ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर यह नहीं याद है तो भी आप याद रखें, कितना कमी हो रहा, 10 के 100 में 10 की कमी होगा, कितना बचेगा, 90%। पहले इसका कितना था, 100%, डिफरेंस कितना आया, 10 का आया, इसे नीचे लिख दें 90, इसको परसेंटेज में बदल दें, कैसे, 100 से गुना करके, जब इसे भाग देंगे आप 100/9 से तो आपका आंसर आएगा 11.9%। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो क्या कुछ नहीं था बनाने का, आपको फॉर्मूला बता दिए थे, वृद्धि परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है एक्स बटे 100 - x × 100। इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, 10 घट कमी कितना है, 100 में 10 घटा दीजिए, 100 - 10 × 100 कितना हो गया, 10/90 × 100, मतलब कि ओम फिर के सेम आएगा कि 10 से काट दे, 100/9 = 11.9% का वृद्धि कर दीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यार आपका नेक्स्ट सवाल, और इससे समझना चाहते हैं, सही बात है कि क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे नहीं होता है। तो आपको मैं यह